आप सभी लोग आज तक न्यूज़ चैनल को देखते भी होंगे और सुनते भी होंगे, और आप सभी के मन में एक सवाल भी आता होगा कि जो आज तक न्यूज़ चैनल है, इसका मालिक आखिर कौन है? और वैसे भी आप देखिए कि हम लोग पत्रकारों के देश के जो भी वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनके बारे में बात कर रहे हैं, तो अरुण पुरी का नाम आना स्वाभाविक सी बात है। और आप सभी लोगों को मालूम होना चाहिए कि अरुण पुरी आज तक जो न्यूज़ चैनल है, इसके मालिक भी हैं। तो आज हम लोग क्या करेंगे कि अरुण पुरी के बारे में एक सामान्य जानकारी आप लोगों को दे देंगे, जिससे अगर आपकी दिलचस्पी है अरुण पुरी के बारे में जानने की, तो आपके पास काफी उनके बारे में जानकारी इकट्ठी हो जाएगी। और जो आप लोग आज तक न्यूज चैनल देखते हैं ना, इस पर भी हम लोग विस्तार से बात करेंगे और इसके बारे में आप लोगों को बहुत सारी जानकारी सीखने को मिलेगी। ठीक है, तो आप लोग सामने स्क्रीन पर आपको दिखाई भी दे रहे होंगे, ये है अरुण पुरी। कौन है अरुण पुरी? जो आज तक न्यूज चैनल के मालिक हैं। अगर हम लोग इनके जन्म की बात करें तो इनका जन्म होता है 1944 में, और आप सभी को मालूम होगा कि 1944 में हमारे ऊपर किसका शासन था? अंग्रेजों का शासन था। तो जब हम लोग अंग्रेजों के शासन के नीचे एक तरह से जीवन यापन कर रहे थे, उस समय भारत में इनका जन्म होता है। और उस समय आप देखेंगे लाहौर जो था, ये भारत में ही हुआ करता था, पंजाब प्रांत हुआ करता था, और ब्रिटिश भारत यानी कि ब्रिटिश के अंडर में था। एक बार आप लोग मैप देखेंगे, देखिए ये हमारा प्यारा भारत है, और इसके पड़ोसी की देखें तो पाकिस्तान और आपको बांग्लादेश देखने को मिलेंगे। और ये बांग्लादेश हो या फिर आप देखिए पाकिस्तान हो, ये पहले हमारे ही हिस्सा हुआ करते थे, लेकिन 1947 में आपको मालूम होगा कि पाकिस्तान अलग हो जाता है, और पहले बांग्लादेश पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था 1971 तक। लेकिन आप सभी को मालूम होना चाहिए कि 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच एक युद्ध होता है। उस समय हमारे देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, और उस समय पाकिस्तान को भुगतान करना पड़ता है बांग्लादेश के रूप में। एक तरह से आप देखिए 1971 के बाद बांग्लादेश उभर के आता है नया देश। ठीक है, तो आप कहते हैं कि जो लोग कहते हैं कि इंदिरा गांधी बड़ी कमजोर प्रधानमंत्री थी, आप देख लीजिए उनका उनसे पाकिस्तान का टकराने का नतीजा कि पाकिस्तान के दो टुकड़े कर दिए थे उन्होंने। ठीक है, तो लाहौर में, पाकिस्तान के लाहौर में इनका जन्म होता है। उसके बाद आगे चल के 1947 में बंटवारा हो जाता है, और जो अरुण पुरी हैं ये भारत में आ जाते हैं। और इनकी अगर हम लोग देखिए पत्नी की बात करें तो रेखा पुरी इनकी पत्नी का नाम। इनके तीन बच्चे हैं, अंकुर पुरी, कोयल पुरी जो आप सभी को मालूम होगा कि अभिनेत्री हैं, और कल्ली पुरी जो इंडिया टुडे ग्रुप की वाइस चेयरपर्सन भी है। ठीक है, और इनकी शिक्षा की बात करें तो स्कूल दून स्कूल देहरादून उत्तराखंड से ये अपनी शुरुआती शिक्षा लेते हैं। उसके बाद 1965 में लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में अर्थशास्त्र में बीएससी करते हैं, यानी कि स्नातक करते हैं। और आप सभी जानते हैं कि ये बिजनेसमैन हैं, यानी कि व्यवसायी भी हैं और पत्रकार भी हैं। ठीक है, और इंडिया टुडे ग्रुप के पूर्व प्रधान संपादक भी रहे और अध्यक्ष के रूप में प्रसिद्ध और एफआईपीपी इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ द पेरियोडिकल प्रेस के अध्यक्ष भी हैं। कौन? अरुण पुरी की बात करें, अगर हम लोग अरुण पुरी के सफर की बात करें तो 1970 में थॉमसन प्रेस में प्रोडक्शन कंट्रोलर के रूप में इन्होंने अपने करियर शुरू किया था। फिर आप देखेंगे 1975 में इसी नाम की पत्रिका के साथ इंडिया टुडे ग्रुप की शुरुआत की हुई थी इन्होंने। किसकी? इंडिया टुडे ग्रुप की शुरुआत किसने की थी? अरुण पुरी ने की हुई थी। और आज यह समूह 32 पत्रिकाओं, 7 रेडियो स्टेशनों, 4 टीवी चैनलों, 1 समाचार पत्र और कई वेब और मोबाइल पोर्टल, एक प्रमुख शास्त्रीय संगीत लेवल और पुस्तक प्रकाशन शाखा के साथ भारत का सबसे विविध मीडिया समूह बन चुका है। और आजकल आप देखिए मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ भी कहते हैं, लेकिन चौथा स्तंभ की हालत क्या हुई है आप सभी लोग जानते हैं, बेहतर जानते हैं कि मीडिया का क्या हाल हो गया है। उन्होंने 24 घंटे के समाचार और समयिकी मामलों के हिंदी समाचार चैनल आज तक और अंग्रेजी समाचार चैनल हेडलाइंस टुडे के लिए पत्रकारिता शैली में भी स्थापित की हुई थी, यानी कि जो आज तक न्यूज चैनल है ये इन्हीं की देन है। और इन्हें इनके काम के लिए कई कुछ पुरस्कार भी दिए गए हैं। 1988 में पत्रकारिता में उत्कृष्टता के लिए गोयनका पुरस्कार से भी इन्हें सम्मानित किया जा चुका है, अरुण पुरी की बात कर रहा हूं। 1990 में इंडियन फेडरेशन ऑफ स्मॉल एंड मीडियम न्यूज पेपर्स द्वारा जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। 1993-94 में पत्रकारिता में उत्कृष्ट योगदान के लिए रेड्डी मेमोरियल अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। सन 2002 में कोलकाता के एडवर्टाइजिंग क्लब की ओर से हॉल ऑफ फेम अवार्ड से भी
अरुण पुरी को सम्मानित किया जा चुका है और 2001 में इन्हें पद्म भूषण पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। अब बात आती है आज तक न्यूज चैनल की। तो आज तक जो आप लोग न्यूज चैनल देखते हैं ना, इसका आदर्श वाक्य क्या है? हो सकता है कि आप लोग अगर किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें पूछ सकता है। तो इसका आदर्श वाक्य फास्टर ऑल ऑफ ऑल, यानी कि सबसे तेज। और आज तक का जो न्यूज चैनल है इसका मुख्यालय कहाँ है, हेडक्वार्टर कहाँ है? तो नोएडा उत्तर प्रदेश में आप लोगों को इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। अब बात आती है आज तक न्यूज चैनल की। तो आज तक न्यूज चैनल की शुरुआत साल 2000 था ना, 31 दिसंबर को उस दिन इसकी शुरुआत की गई थी। जब यह चैनल आया तब यह 52 लाख घरों में न्यूज चलता था, लेकिन आज के समय में आप देखते हैं कि 3 करोड़ घरों में चलता है। और वैसे आप लोग सोशल मीडिया के जरिए तो आप देखिए करोड़ों लोग ने देखते हैं और फॉलो भी करते हैं। और इस चैनल के दर्शक संख्या 55% है और इसी कारण आप देखेंगे आज तक को रिकॉर्ड्स के तहत सम्मानित भी किया जा चुका है लिम्का बुक ऑफ। और इस रिकॉर्ड में आज तक को बेस्ट समाचार चैनल के रूप में माना गया है। तो आप समझ सकते हैं कि इसे देखने वाले लोगों की संख्या कुछ ज्यादा ही है। और आपको बता दूं आज तक जो न्यूज चैनल देखते हैं आप लोग, इसे भी कई बार कई पुरस्कार दिए जा चुके हैं। तो आप 2001 में देखेंगे इंडियन टेलीविजन एकेडमी ऑफ अवार्ड में न्यूज चैनल ऑफ द ईयर चुना गया था। एक कब की बात है? सन 2001 की बात है। 2002 में आज तक न्यूज चैनल को सर्वश्रेष्ठ समाचार पैनल चैनल इंडियन टेलीविजन एकेडमी अवार्ड आज तक को मिला था और इंडियन टेली अवार्ड में आज तक को न्यूज चैनल ऑफ द ईयर भी चुना गया था। 2003 में आज तक को सर्वश्रेष्ठ समाचार चैनल का इंडियन टेली अवार्ड मिला और आज तक को ITA अवार्ड भी मिल चुका है। आज तक न्यूज चैनल को 2004 में सर्वश्रेष्ठ मीडिया कैंपेन का अवार्ड आज तक को मिला था और आज तक को हीरो होंडा ITA अवार्ड भी मिल चुका है। 2004 में ही आप देखेंगे आज तक लगातार दूसरे बार सुपर ब्रांड बना है और इंडियन टेली अवार्ड का सर्वश्रेष्ठ समाचार चैनल का अवार्ड भी आज तक को मिल चुका है। 2006 में आप देखेंगे सुपर ब्रांड इंडिया ने आज तक को सर्वश्रेष्ठ सुपर ब्रांड चुना था और आज तक को लगातार चौथे वर्ष इंडियन टेलीविजन टेली अवार्ड भी मिला है। फिर आप देखेंगे 2008 में आज तक को गोल्ड अवार्ड समारोह में सर्वश्रेष्ठ समाचार चैनल का पुरस्कार भी मिल चुका है और NT अवार्ड में आज तक को सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय हिंदी समाचार न्यूज चैनल का अवार्ड भी मिल चुका है। 2009 में आप देखेंगे वर्ल्ड ब्रांड कांग्रेस ने आज तक को ग्लोबल अवार्ड फॉर ब्रांड एक्सीलेंस से भी सम्मानित किया है। किसे? आज तक न्यूज चैनल को। 2011 में आप देखेंगे आज तक को लगातार 11वें वर्ष सर्वश्रेष्ठ हिंदी समाचार चैनल का पुरस्कार भी मिल चुका है। तो इस तरह कुछ पुरस्कार भी मिल चुके हैं किसको? आज तक न्यूज चैनल को। और आप लोग जो DTH या इस तरह के जो भी टाटा स्काई लगवाए रहते हैं तो उस पर आप लोग देखते होंगे कि आज तक टीवी चैनल नंबर लिस्ट है। टाटा स्काई 508 और 509, डिश टीवी 655, रिलायंस डिजिटल टीवी 406, सन डायरेक्ट 572, वीडियोकॉन D2H 303, एयरटेल डिजिटल टीवी 313 और 314 पर आप लोग देखते होंगे। डिश नेटवर्क इसमें 706 पर आपको देखने को मिल जाएगा। हैथवे डिजिटल टीवी 205 पर देखने को मिल जाएगा। डिश होम 706 पर देखने को मिल जाएगा। स्काई 710 चैनल आप लोग लगाएंगे तो उस पर आपको देखने को मिल जाएगा। और YouTube पर भी आप देखेंगे इसके आज तक के ही एक तरह से आज तक न्यूज चैनल मैन एक तरह से स्ट्रीम हो चुकी है। इसके संस्थाएं आप देखिए, आप देखते हैं कि एक यूनिवर्सिटी होती है उससे कई कॉलेज जुड़े रहते हैं तो इसी की शाखाएं आप कह सकते हैं कि आज तक की। एक आज तक आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, आज तक HD ये भी आप लोगों को YouTube पर आप लोग सर्च करेंगे तो आपको मिलेगा। इंडिया टुडे भी इसी का ग्रुप का है, ठीक है। तेज ये भी इसी के ग्रुप का है और इसमें आप देखेंगे सो सॉरी ये भी आप देखेंगे आज तक का ही है। द लल्लन टॉप, इंडियन टुडे सोशल, इंडियन टुडे टेक, स्पोर्ट्स तक, मुंबई तक और इस तरह आप देखेंगे मुंबई तक, यूपी तक, भारत तक और फूड तक, फिट तक, मुंबई तक, न्यूज तक, लाइव तक और इस तरह से आप देखेंगे गुजरात तक, एस्ट्रो तक, किड्स तक, सिनेमा तक और टेक तक और इस तरह के कई अन्य चैनल भी आप लोगों को YouTube पर आप लोग सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएंगे, आप लोगों को देखने को मिलेंगे।
तो ये कहानी हुई हुई है अरुण पुरी की और आज तक न्यूज चैनल की, ठीक है। और अगर आपके मन में कोई और डाउट हो तो आप लोग बताइएगा, उस पर भी हम लोग बात कर लेंगे। और वैसे ये सीरीज आपके देश के वरिष्ठ पत्रकारों के बारे में बात कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि किसी भी पत्रकार के बारे में, देखिए, छूटना नहीं चाहिए उस पत्रकार को, वो किसी भी विचारधारा का क्यों ना हो, सत्ता पक्ष की विचारधारा रखता हो या फिर आप देखिए विपक्ष की रखता हो, क्योंकि आजकल की मीडिया के क्या हालत हो चुके हैं आप लोग बेहतर जानते हैं। आप देखिए कोई भी कानून आता है, आप किसी कानूनों को आप लोगों ने देखा होगा कि उसमें देखा है आपने कि एक ऐसा समूह था मीडिया का जो उसकी अच्छाई अच्छाई बताया जा रहा था, और एक मीडिया का ऐसा समूह था कि उसकी बुराई बुराई बताया जा रहा था। तो किसान और आम आदमी एक तरह से भ्रमित हो गए थे कि आखिर इसमें अच्छाई क्या है, गलत क्या है। ये मीडिया का कर्तव्य यही होता है कि उसकी अच्छाइयां भी दिखाई जाए, उसकी बुराइयां भी दिखाई जाए, आम लोगों की जो भी आवाज है उसे उठाया जाए। लेकिन आज की मीडिया इससे बहुत दूर हट चुकी है, और अभी भी जो पत्रकार बचे हुए हैं अगर वो सच लिखते हैं, अपने मीडिया जो आपके ये पत्रकार होने का धर्म निभाते हैं, तो उन्हें उसका भुगतान भी करना पड़ता है। आपने देखा है कि उन पर FIR की जाती है, उन्हें राष्ट्रद्रोही भी कहा जाता है, पता नहीं कौन कौन से शब्दों से नवाजा जाता है। खैर, हम लोग तो बात करते रहेंगे, अगर आपके मन में भी किसी का नाम है तो उसके बारे में बताइएगा, उस पर भी हम लोग विस्तार से बात करने लेंगे, ठीक है। आप लोग एंजॉय करिए, हम लोग तो मिलते ही रहेंगे।